तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, यानी कि अभी लोकसभा का चुनाव होने में लगभग 9 या 10 महीने के लगभग बाकी हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर रही है, और यहाँ पर दो गुट बन गए हैं पूरे देश में। एक तो है NDA जिसको लीड करती है BJP, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल है, और दूसरी तरफ है इंडिया, यानी कि एक नया ग्रुप बनाया गया है। इंडिया इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म जो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस है, जिसको शॉर्ट में कह दिया है इंडिया। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा फाइट देखने को मिल रही है। जहाँ पर NDA में 38 पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, तो वहीं पर इंडिया में 26 पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। लेकिन आने वाले समय में इसमें फेरबदल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टी है जिन्होंने इन दोनों ही गुटों को किसी को भी ज्वाइन किया ही नहीं है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला क्या है, और क्या यहाँ पर जो इंडिया है वो NDA को पूरी तरह से टक्कर दे पाएगा, और ये इंडिया वर्सेस NDA फाइट कैसी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और इसके बारे में क्यों बात करें। तो पिछले 9 सालों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और मोदी जी जब से PM बने हैं तो तब से BJP जो उनकी पार्टी है वो काफ़ी अच्छा चुनाव प्रदर्शन कर रही है, और कई सारे राज्यों में वो अकेले दम पर सरकार बना रही है। और जहाँ पर पहले BJP का कोई भी वजूद नहीं था, वहाँ पर भी BJP सरकार चला रही है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में सरकार चला रही है, और ऐसा मोदी जी के PM बनने के बाद ही हुआ है। और इसी दौरान जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनमें इतनी ज़्यादा आपस में कड़वाहट भी थी कि वो कभी आपस में गठबंधन ही नहीं कर पाई, और हर बार उन्हें हार देखनी पड़ी। जैसे कि कांग्रेस, TMC और कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग होकर लड़ रही थी बंगाल में, जिससे फ़ायदा तो BJP उठा गई और पहली बार इतनी ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत ले गई। और फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, और तब BJP ने फ़ायदा उठाते हुए 180 विधानसभा सीटों में से 150 से भी ज़्यादा सीटें जीत ली। इसके अलावा BJP जोर दौड़ में भी माहिर, और कांग्रेस की MP में कमलनाथ की सरकार BJP ने भी गिरा दी थी। दरअसल वहाँ पर BJP ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़ा, और उसके साथ ही बहुत सारे जो दूसरे MLA थे उनको भी साथ में ले आए कांग्रेस में, कांग्रेस से अपने BJP में ले आए साथ में, और इससे कांग्रेस की सरकार ही गिर गई। ठीक इसी तरह से BJP ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में किया था। BJP ने शिवसेना को तोड़कर शिवसेना 2 बना दी, जिसमें उद्धव ठाकरे को तो कांग्रेस के साथ विपक्ष में बैठ गए, जबकि एकनाथ शिंदे CM बन गए। और वहीं पर ही BJP ने NCP को भी तोड़ा और अजीत पवार को अपने साथ ले गई, Deputy CM बना दिया, और शरद पवार कांग्रेस के साथ चले गए। तो ऐसे BJP तो सब करती है जिससे उन्हें फ़ायदा हो, चाहे उसके लिए उन्हें साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपनाना पड़े, और इसके लिए विधायक और सांसद भी खरीदने पड़ते हैं भाई। इसके अलावा BJP ने अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू की पूरी कांग्रेस की सरकार को ही कांग्रेस से छीनकर BJP में बना दिया था, BJP की सरकार बन गई यानी कि वहाँ पर, यानी BJP सत्ता के लिए हर वो हथकंडा अपनाती है जिससे BJP सत्ता में बनी रहे। और ऐसा ही मुद्दा है गोमांस का मुद्दा, जहाँ पर BJP गोमांस पर प्रतिबंध लगाती है, और BJP ने अपने कई सारे गोरक्षक भी छोड़ रखे हैं जो गाय के नाम पर काफ़ी सारे इलीगल काम भी करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। और इसके अलावा गोवा और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में खुलेआम BJP गाय कटवाने की परमिशन देती है। तो ऐसे में BJP एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी बनकर सामने आई है, और मोदी जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नेता बने हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे में विपक्ष कुछ खास नहीं कर पाया है, तो यहाँ पर BJP और इसकी सहयोगी पार्टियों को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने ग्रैंड अलायंस बना लिया है, जहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, RJD, RLD और वामपंथी पार्टियों के साथ 26 पार्टियों ने गठबंधन बना लिया है, और ताकि यहां पर BJP और उसके सहयोगी दलों यानी कि NDO को चुनौती दी जा सके। और इसके जवाब में BJP ने भी अपने गठबंधन NDA की भी मीटिंग बुलाई, जिसमें दावा किया गया कि इसमें 38 पार्टियां शामिल हुई, यानी कि जो UPA को छोड़ दिया, अभी इंडिया बन गया वो, यानी कि इंडिया की पार्टियों में 26 दल शामिल हुए, लेकिन NDA की पार्टियों में 38 दल शामिल हुए, 38 पार्टी शामिल हुई। तो आप देख सकते हैं इंडिया वर्सेस NDA ओपोजिशन लीडर एक्सल्ट ओवर नेम चेंज प्रिपरेशन फॉर 2024 पोल्स, यानी कि यहाँ पर जो ओपोजिशन लीडर है वो बहुत खुश हो गए नेम चेंज होने से, क्योंकि यहाँ पर इंडिया देश की भी एक झलकता है वो इंडिया, लेकिन इन्होंने इंडिया अपना गठबंधन का नाम रख दिया है। और यहाँ पर 2024 का जो चुनाव है उसकी तैयारी शुरू हो गई है, और इसके साथ थी ओपोजिशन पिचेस NDA वर्सेस इंडिया बैटल फॉर 2024 इलेक्शन। तो यहाँ पर इंडिया बन गया है, ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, शॉर्ट फॉर्म में इंडिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर
पिकिंग द नेम इंडिया फॉर अलायंस अपोजिशन पार्टी फ्रेम 24 बैटल एज बीजेपी वर्सेस द कंट्री, यानी कि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो बीजेपी वर्सेस देश को यहाँ पर मुद्दा बना रही है, तो यहाँ पर इंडिया नाम रखने से इन्होंने इस तरह का काम किया है। और इसी के साथ ही आफ्टर अपोजिशन इंडिया पीएम मोदी कॉइंस न्यू फुल फॉर्म ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया यानी कि यहाँ पर इंडिया जो टर्म्स निकाला है अपोजिशन पार्टियों ने, तो इसके काट के लिए यहाँ पर पीएम मोदी ने न्यू इंडिया बना दिया, यानी कि जो एनडीए है वो डेवलप नेशन न्यू इंडिया एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो देश के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का देश बनाया है, यानी कि है तो इसकी फुल फॉर्म अभी एनडीए लेकिन इसको न्यू इंडिया करके प्रेजेंट कर रही है ये। तो यहाँ पर दो दिनों की विपक्षी पार्टियों की मीटिंग चली जिसमें 17 और 18 जुलाई तक पार्टियों ने काफ़ी ज़्यादा माथेपच्ची करने के बाद एक साथ आने का फैसला किया है। हालांकि देखा जाए तो पिछले महीने भी विपक्षी पार्टियों ने पटना में मीटिंग की थी जिसमें कुछ ठीक तो बाहर निकल कर नहीं आया था। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से ज़रूर गतिरोध था, वो भी दिल्ली के एक ऑर्डिनेंस को लेकर, लेकिन फाइनली कांग्रेस ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया जिससे अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई है और यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी इस मीटिंग के बाद शुरू हो गई है। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां मीटिंग पर कर रही थी तो ऐसे में बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है, तो उसने भी यहां पर एनडीए की मीटिंग बुलाई जहां पर विपक्षी पार्टियों में 26 पार्टियां शामिल हुई थी, तो वहीं एनडीए की मीटिंग में 38 पार्टियां शामिल हुई हैं। हालांकि देखा जाए तो इनमें कई सारी पार्टियों के पास कोई सांसद तक नहीं है, तो इसी तरह से एनडीए 2024 के चुनाव की तैयारियों में लग गई है। लेकिन इसी के साथ ही कई ऐसी बातें भी हुई हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो पहली बात निकल कर आती है तो ऐसा है कि 38 पार्टियों ने एनडीए की मीटिंग को अटेंड किया और ये चीज़ बीजेपी की नीति से अलग दिखती है और ये अजीब भी है क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी हमेशा से ही ये कहती आई है कि सिर्फ मोदी को हराने के लिए ही सारी की सारी विपक्षी पार्टियाँ एक हो रही है ताकि किसी भी तरह मोदी पीएम ना बन सके। और बीजेपी के लिए ये नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी रहा है क्योंकि इस नैरेटिव से बीजेपी को काफ़ी फायदा भी हुआ और बीजेपी को काफ़ी सिंपैथी मिली थी। लेकिन अब बीजेपी क्या कहेगी क्योंकि पार्टियों का नंबर कुछ अलग ही बात करता है, जहाँ विपक्षी दलों में 26 दल शामिल है तो वहीं एनडीए में 38 दल शामिल है, यानी कि एनडीए में पार्टियों की संख्या ज्यादा है। तो आप बताइए कि विपक्षी दल ज्यादा है या फिर एनडीए की पार्टियों में जो दल है वो ज्यादा है। ऑब्वियसली यहां पर एनडीए में ज्यादा पार्टियां हैं, तो अब यहां पर बीजेपी नहीं कह पाएगी कि भाई सारी पार्टियां मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई है। सारी पार्टियां नहीं, आधी भी नहीं हुई है क्योंकि देखा जाए तो 38 वहां पर है, 26 यहां पर है। और यहाँ पर देखा जाए तो अंकगणित और नरेशन की भी कहानी है, जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की पहले यूएसपी जो थी वो अंकगणित की थी कि किस पार्टी का वोट शेयर कितना है और उनके जीतने की क्या क्या संभावना है, किस पार्टी में कौन सी जाति लगी हुई है और किस पार्टी को कौन सी जात की पार्टी माना जाता है। विपक्षी दल इन सारी चीज़ों को देख कर ही अपना अंकगणित बैठाती थी, जबकि बीजेपी यहाँ पर हमेशा से ही नैरेटिव पर और मोदी की पॉपुलैरिटी पर ही खेलती थी कि बीजेपी को इन सब आंकड़ों से मतलब नहीं है, यहाँ पर तो नैरेटिव चलेगा, हमें तो मोदी का जो चेहरा है वो दिखाना है और वोट हमें मिल जाएंगे। और ये बीजेपी के हक में भी गई है बात और चुनाव में बीजेपी को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। और लेकिन अभी जो एनडीए ने मीटिंग की है तो उसमें दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो अपोजिट हो गई है, जहाँ पर पहले बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती थी लेकिन अब यहाँ पर अपने अंकगणित पर भी ध्यान दे रही है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बावजूद यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, जहाँ पर विपक्षी दलों में सिर्फ 26 ही हैं तो वहीं पर एनडीए में 38 हो गए हैं, तो ज़्यादा ही है। और बीजेपी यहाँ पर छोटी से छोटी पार्टी को भी अपने पक्ष में कर रही है, चाहे वो बिहार से चिराग पासवान की एलजेपी हो या फिर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा या फिर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार की एनसीपी हो, यहाँ पर बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों के साथ गठजोड़ कर रही है। तो बीजेपी यहाँ पर अंकगणित पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनको बीजेपी की सफलता से ये एहसास हो गया है कि चुनाव में नैरेटिव भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो अब यहाँ पर विपक्षी दलों ने बेहद चालाकी से इस नए गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, जो होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। और यहाँ पर विपक्षी दलों ने पिछली गलतियों से भी सीखा है क्योंकि 1971 में कुछ ऐसा ही इंदिरा गांधी को हटाने के लिए विपक्षी दलों ने नारा दिया था कि इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा गांधी ने विपक्षी दलों को काउंटर करने के लिए नारा दिया गरीबी हटाओ और ये चीज़ विपक्षी दलों को बैकफायर कर गई और इंदिरा गांधी दोबारा से चुनाव जीत गई। और आज ये गलती विपक्षी दल नहीं कर रहा है, विपक्षी दल ने मोदी का नाम नहीं लिया है, मोदी के ऊपर अटैक भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही चालाकी से इंडिया वर्सेस एनडीए का नैरेटिव गढ़ दिया है। और अब बीजेपी यहाँ पर इस स्लोगन से परेशान है क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी
इंडिया स्लोगन के खिलाफ कुछ बोला तो चीज़ बैक फायर कर जाएगी। तो यहाँ पर इसको एंटी नेशनल की तरफ पेश किया जाएगा कि भाई ये तो एंटी नेशनल है, ये इंडिया के खिलाफ है। तो यहाँ पर पहले बीजेपी नैरेटिव पर खेल रही थी तो अब कामयाबी मिल रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने गणित पर भी फोकस किया है। जबकि जो विपक्षी पार्टियाँ पहले गणित पर खेलती थी, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों को एहसास हो गया कि नैरेटिव भी मैटर करता है, तो अब उसने भी यहाँ पर नैरेटिव की वजह से खेलना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और हमारे बिजनौर जिले में ही 2 लोकसभा सीटें हैं, जैसे कि बिजनौर सदर और नगीना सुरक्षित। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में वोटर्स को देखते हुए बीजेपी ने यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में RLD कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गई, जिससे समीकरण में बदलाव हो गया है। और इन सब बातों से ये तो रिलायज हो गया है कि भाई अगर सामने वाली पार्टी को हराना है तो वहाँ पर दूसरी पार्टियों को भी जगह देनी होगी। और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ऐसा कर रही है। और कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी आम आदमी पार्टी और TMC को साथ लाना, और अपने इस कदम से कांग्रेस कामयाब हो गई है। और बाद में केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को थैंक यू भी बोला है कि थैंक यू हमें बुलाने के लिए। और अगर हम NDO को देखें तो यहाँ पर मोदी जी की पॉपुलैरिटी को एक बार फिर से कैश इन करना चाहती है बीजेपी और NDA, और अपनी उपलब्धियों को भी लोगों के सामने रखना चाहती है। जबकि हम देखें तो NDA में पूरी तरह से सिर्फ BJP का ही डोमिनेंस है, जबकि अगर हम विपक्ष को देखें तो विपक्ष में जो पार्टियाँ हैं उनका काफ़ी प्रभाव है कांग्रेस के अलावा जो पार्टियाँ हैं, और बहुत सारे स्टेट्स में सरकार में भी है। जैसे कि पिछली बार विपक्ष अलग अलग लड़ रहा था तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी, बहुत तगड़ी हार देखने को मिली थी, लेकिन इस बार विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ पर शायद काफ़ी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इंडिया वर्सेज NDA की लड़ाई में जीत किसकी होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेसिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।